बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शाहजहाँ, आप देख रहे हैं मेरा शाहजहाँ सिस्टर किचन कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मैं आपको वेलकम कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज किचन में बनाऊंगी मशरूम व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जो बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मशरूम व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, पास्ता मैंने बॉयल कर लिया है। एक प्याली मैंने मशरूम लिए हैं, हसबे ज़रूरत मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, हसबे ज़रूरत मैंने चैटर चीज़ लिया है, 1 टीस्पून मैंने मैदा लिया है, 3 टीस्पून मैंने क्रीम ली है, 1 कप मैंने दूध लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ऑरिगैनो लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून में लाल कुटी मिर्च लिया, हसबे ज़रूरत मैंने हरा धनिया लिया बारीक कटा हुआ, 1 छोटे साइज की प्याज लेके बारीक चॉप कर लिया है, 1 शिमला मिर्च लेके मैंने काट ली है क्यूब्स में, 1 चाइनीज़ गाजर लेके मैंने काट लिया। मशरूम व्हाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल शामिल कर लेंगे। आप इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं, मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को गर्म कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुन या मैंने जो चॉप हुआ वो शामिल कर लेंगे। लहसुन को फ्राई कर लेंगे, हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज को भी हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज को ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, से आपको मेरी न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप मेरी रेसिपीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज और लोगों तक भी पहुँच सके। प्याज हल्की फ्राई हो गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजरें शामिल कर लेंगे, कई फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शिमला मिर्च शामिल कर लेंगे और मशरूम शामिल कर लेंगे, उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। ताकि तमाम सब्जी अच्छे से नरम हो जाए। अच्छे से फ्राई हो गई और सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर हम मैदा शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से भूनना ताकि मैदा कच्चे मैदे की हमक ना आए, मैदा भी अच्छे से कुक हो जाए। मैदा ही भुन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूध शामिल कर लेंगे। इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से सॉस तैयार ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए। और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक शामिल कर लेंगे और ऑरिगैनो शामिल कर लेंगे। काली मिर्च पाउडर शामिल कर लेंगे, चिकन पाउडर शामिल कर लेंगे, लाल कुटी मिर्च शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे इसे। क्रीम शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि क्रीमी टेक्सचर तैयार हो जाए इसका सॉस। सॉस
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोज़रेला चीज़ शामिल कर लेंगे। चैटर चीज़ शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पास्ता डाल लेंगे। व्हाइट सॉस तैयार हो गया। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। अब इसमें हरा धनिया क्रश कर लेंगे। एंड में हरा धनिया छिड़कना आपने इसके अंदर। अब इसे डिश आउट करेंगे। व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। इस रेसिपी को अपने घर में आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।